तो नमस्ते, मैं हूं रवि शर्मा, आपका एक बार फिर से स्वागत है नोबेल ब्लॉग चैनल पर। और मेरे साथ है अंकित। हम है वॉल सिटी, ओल्ड सिटी जिसको हम बोलते हैं, छोटी चौपड़। छोटी चौपड़ का आप व्यू देख सकते हैं। तो अभी मकर संक्रांति का टाइम है और ये हेरिटेज लुक आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। और हर कोई अपनी छत पर अभी पतंगबाजी कर रहा है, उसके साथ साथ पीने के लड्डू और दादी पकौड़ी का चटकारा महसूस कर रहा है। बिल्कुल सही कहा अरविंद भाई। अभी हम है छोटी चौपड़, और छोटी चौपड़ का नजारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर है हमारे ईसर लाड, जहाँ से पूरे जयपुर का नजारा आप देख सकते हैं। साथ में है पीछे गणगणेश मंदिर और वहाँ पर है नारगढ़ का किला, और पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से अटा हुआ है। और जयपुर में अगर आपको वास्तव में मकर संक्रांति का लुत्फ लेना है तो आपको वॉल सिटी में तो आना ही होगा। बिल्कुल। अब हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति के दिन वो कौन से फूड्स होते हैं जिसे खाने से आपको मजा डबल आने वाला है। तो चलिए चलते हैं पीने की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना काल चल रहा है, इस कारण से जो हमारे बाहरी गेस्ट हैं, जो देश विदेश से यहाँ पे सैलानी आते थे, वो नहीं आ पा रहे, वरना जयपुर की जो चकाचौंध है वो और भी बेहतर हो जाती थी। तो चलिए और हम चलते हैं पीने की तरफ। आपको दिखाते हैं पीनी कैसे बनती है, कितनी वैरायटी की होती है, और वो घर में हम कैसे बना सकते हैं। अरविंद भाई, साथ में हम लोग दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि कौन सी तरह की पीनी सबसे अच्छी होती है, और आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि पीनी वास्तव में अच्छी है या नहीं है। ट्रेडिशन है सकरात का, जो ट्रेडिशनल फूड है वो है पीनी। और कुछ लोग अगर पीनी भी बोलते थे, लेकिन पीनी तीखी और मीठी, ठीक है। तो अंकित भाई बिल्कुल सही कहा आपने, पीनी दो प्रकार की होती है, मीठी पीनी और तीखी पीनी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में ये आता है कि कौन सी पीनी सही और कौन सी पीनी खाने योग्य नहीं है, ये आज हम आपको बताएंगे रियल फैक्ट चेक करके। तो ये पीनी अरविंद भाई ने ली है, और अब हम आपको बता रहे हैं कौन सी पीनी आपको खरीदनी चाहिए। जहाँ पे अगर आप इस पीनी को तोड़ोगे तो इसकी सिकाई आप बिल्कुल देख सकते हैं कि एजडीज है, वरना क्या होता है किसी किसी पीनी के अंदर ये बिल्कुल वाइट कलर का आपको दिखाई देता है। तो इसका मतलब होता है कि उसकी सिकाई है, उसका फ्लेम है, उसको सही तरह से प्रॉपर उसको पका नहीं पाया है, उस कारण से वो वाइट रह जाती है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा तो अगली बार जब भी आप पीनी खरीदें तो पीनी को यू चेक करें, अगर अंदर तक पूरी पीनी ब्राउन है तो इसका मतलब पीनी अच्छी क्वालिटी की है, और पीनी अगर अंदर से वाइट है तो इसका मतलब पीनी सही क्वालिटी की नहीं है। अब खा के बताओ अरविंद भाई। दोस्तों क्रिस्पी है, ठीक है, और मीठा बिल्कुल एवरेज है, ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, ठीक है। और क्रिस्पी जो आपकी है, बिल्कुल जो परत है ना वो आपको खिली हुई दिखाई देगी, अलग से अटल से दिखाई दे रही है, ठीक है। पीनी की दूसरी खासियत ये होती है, इसकी जो तार है वो बिल्कुल बारीक होने चाहिए, महीन होने चाहिए, जितने बारीक तार होंगे पीनी उतनी ही अच्छी होगी। दूसरी बात, जो हमारी घर की महिलाएं हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप घर पे पीनी बनाना चाहते हैं, और चाशनी जो होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है चाशनी की, कि कितने तार की चाशनी हम ले तो हम घर पे पीनी बना सके, तो उसके जो दो तार की चाशनी है हमारे घर। बिल्कुल सही कहा अरविंद भाई आपने, अगर घर पे जो गृहणियाँ हैं अगर वो तीखी पीनी से मीठी पीनी बनाना चाहती हैं तो आपको दो तार की चाशनी लेनी होगी, और दो तार की चाशनी से आपकी पीनी सबसे ज़्यादा लाजवाब बनेगी। बनानी आती है, कितने तार की चाशनी बनाते हो आप? दो तार। कैसे पता लगाते हो कि पीने की चाशनी सही है नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और हम लोग लाइव आपको दिखाएंगे कि ये चाशनी वास्तव में दो तार की है या नहीं है। और इस तरीके से आप देखते हो, और ये एक और ये दो, हाँ। दो तार की चाशनी आप बनेगी। अभी हम है सांभरिया पीनी वाले, और इस शॉप पे है हम, छोटी चौपड़ के पास में ये शॉप है, और 1880 से ऐसी प्राइस है, 1880। तो आप देखिए कि ऑलमोस्ट 140 ईयर्स पे ये दुकान है, ये शॉप है, और कितनी पुरानी है हमें ये शॉप हो सकती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसकी लोकप्रियता का। ठीक है, के पास में बिल्कुल ये यहाँ पे ये शॉप अवेलेबल। छोटी चौपट मतलब जयपुर का दिल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, और ये पीनी के साथ साथ काय फेस्टिवल का आप लुक उठा सकते हैं।
तो आज के ब्लॉग में दोस्तों इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग नोवेल ब्लॉग।